लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, उसके बाद इसमें कीवर्ड्स लिख सकती हूँ। तो जैसे मैंने यूट्यूब पर सर्च किया पॉडकास्ट, उसके बाद कुछ ऐसी वीडियो आ गई जो हर वीडियो मिलियन में क्रॉस होती है। ये किसी का ओरिजिनल कॉन्टेंट नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है। ये बड़ी वीडियो थी, लॉन्ग वीडियो, उसके बाद इसे शॉर्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। तो इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप शॉर्ट्स वीडियो कैसे कन्वर्ट कर सकती हो। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, चाहे वो मूवी हो या फिर क्रिकेट हो। जैसे मैंने सर्च किया मूवी, अब यहाँ पे शॉर्ट्स पर भी बहुत लोग उठा के डाल देते हैं। ऐसे कुछ आपको बड़ी वीडियोस उठाना, उसके बाद इसे शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। ये कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ भी नहीं आएगा, ना क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा ना कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। तो उससे पहले कि हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले इस नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन द वीडियो। जो वीडियो आपको लॉन्ग से शॉर्ट्स में कन्वर्ट करना है, उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है केन मास्टर से कटिंग करेंगे, वो भी बड़े आसानी से। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया, चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो मैंने कैरी मिनाटी का वीडियो डाउनलोड किया, जैसे कि जो संदीप मैसूरियन सर की स्टूडियो में गए थे मिलने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए, इसीलिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। ओके, तो कुछ ऐसा मैं देख लेता हूँ अपने हिसाब से, जहाँ से आपको कटिंग करना है, मतलब कि आपको कहाँ से कटिंग करना है, कौन सा पोज अच्छा लग रहा है, वहाँ से अपने आप से कटिंग कर लेना। तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उससे मैं चला जाऊँगा पहले आगे से ही। आगे से स्टार्टिंग से कुछ अच्छा अच्छा आएगा, तो उससे मैं एक कटिंग करके अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जहाँ से आपको अच्छा लगे जो चीज़, वही वहाँ से कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग कैसे करना अभी बताते हैं। चलिए पहले मैं एक पोज देख लेता हूँ कौन सा अच्छा। ये यहाँ से यहाँ काट दिया मैंने, इसे कैची बना रहता है, इस पर डिलीट करोगे जैसे कट जाएगा। उसके बाद इसे कुछ ऐसे करना है, यहाँ पर देखना है आपको एक मिनट की वीडियोस बनाना है। अब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वही वीडियो आपको नहीं बनाना है, जैसे मेरा कॉपी मत करना, नहीं तो तुम्हारा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देख के तुम भी यहाँ से कटिंग करो, अपने हिसाब से जहाँ कटिंग करना है वहाँ पे करना है। तो वैसे मैं इसको, आप चाहो तो एक मिनट का बना सकते हो या फिर 50 सेकंड का, जैसी आपकी मर्जी हो। मैं एक मिनट का बनाऊँगा यहाँ पे, 61 सेकंड का। उसके बाद यहाँ से कटिंग कर देना है, राइट करने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे लेयर पे आने हैं, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद इमेज पर आ जाना है, यहाँ पे आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है एक इमेज, इसको बड़ा करके यहाँ पे सही से जूम करके ऐसे कुछ एडिट कर देना है, ठीक है। एडिट करने के बाद जितनी बड़ी वीडियो से उतना बड़ा इसको भी कर देना है, जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ कुछ, जितनी बड़ी हमारी वीडियो से। तो ऐसे कुछ कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद इसको फालतू हटा देते हैं राइट करके। ओके, यहाँ पर मैंने हटा दिया है। उसके बाद इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे, फिर यहाँ पे 3 डॉट पे आएंगे, फिर यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ से आपको लेयर से ऐसे करोगे फिर डबल हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर चढ़ गया है। अब इसको जो पहले था, जो वीडियो हमने लिया था, इससे यहाँ से डिलीट कर देंगे ऐसे कुछ। उसके बाद फिर से आपको मीडिया पे आ जाना है, मीडिया पे आपकी वीडियो सभी है, लेकिन यहाँ से फिर से आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे बीच वाला इमेज हटा देना है जो आपने अभी किया था। उसके बाद अब आपकी वीडियोस कुछ ऐसी हो जाएगी, वीडियो बनने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आपको जितनी बड़ी वीडियो से उतना बड़ा कर दीजिए, इसको फालतू हटा देते हैं, इसको यहाँ से करके राइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अपनी वीडियोस पे, इस पर आपको वीडियोस पे डिलीट करना है, ऐसे कुछ जूम करना है अपने हिसाब से, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे एडिटिंग करना है ऐसे कुछ। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, कि ये सब आपको गलत चीज़ नहीं करना है, आपको जैसा मैंने बताया वैसे एडिटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड आपने नहीं लगाया तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, जिससे कि आप देख सकते हो मेरी वीडियो कुछ ऐसे बनेगी। उसके बाद हम कटिंग करेंगे, जैसे कहीं पर दूसरे लोग आ जाते हैं, जैसे जो बंदा और बोल रहा है, जैसे कि संदीप मैसूरियन सर बोल रहे हैं, तो ये किनारे आ रहे हैं, इसको हम बीच में करेंगे इनको भी। तो इसे हम यहाँ से आपको काट देना है नीचे वाला। उसके बाद
इनको भी ऐसे बीच में कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा कैरी मिनाठी को फिर यहाँ से आपको कटिंग करना है नीचे, उसके बाद इधर कर देना है, ऐसे कुछ अपने हिसाब से कटिंग करना है, जिससे कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा। अभी ये भी आपको बताएंगे कैसे आप म्यूजिक भी ऐड करना है इसमें, मोटिवेशनल, जैसे मोटिवेशनल है ये वीडियो समझ लो, तो इसीलिए मैंने मोटिवेशनल म्यूजिक भी मैं यूज करूँगा। अब जैसे ये लड़का कुछ बात कर रहा है कैरी मिनाठी से अपने बारे में, तो ऐसे कुछ हम देखेंगे, इसको भी सही से एडिट करेंगे यहाँ से, संदीप मैसूरियन सर को कुछ ऐसे करेंगे, उसके बाद अब उसके बाद यहाँ से फिर कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हल्का इससे इस तरफ कटिंग करेंगे। ऐसे कुछ सही से आपको एडिटिंग करना है, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे आपको लगे। उसके बाद यहाँ पे किसी पर कर देना है, कैरी मिनाठी पर चलिए कर देते हैं यहाँ से कटिंग करके, किसी सादा ना जाए, सर का लोगो दिखिए ना, जो लिखा है संदीप मैसूरियन सर, लोगों को आपको नहीं दिखाना। उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे यहाँ से, उसके बाद इन्हें भी सही से यहाँ पे एडिट कर देंगे इस लड़के को कुछ ऐसा, उसके बाद कुछ ऐसा वीडियो आपकी हो जाएगी यहाँ से। आप चलिए यहाँ पे इतना बन चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे आप ये इतना तो बन चुका है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपने वीडियो का इमेज या फिर म्यूजिक। यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे गाना लगा देते हैं मोटिवेशनल, जिससे कि ये आ चुका है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लस पे आ जाना है, उसके बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर पे आ जाना है, यहाँ पे आवाज़ वाले, उसके बाद इसे 30 कर देना या फिर अपने हिसाब से कर देना 30। उसके बाद इसे हो गए कुछ ये, उसके बाद आपको मीडिया पे आने के बाद लेयर पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे अपने YouTube का लोगो कोई ले लेना है, जो आप YouTube पर लगाती हूँ, जिससे मैंने YouTube के लिए बनाया लोगो, पिक्सल पर आ जाते हैं। उसके बाद ये मेरा लोगो ये है, YouTube मेरा सर्च करोगे तो यही लोगो आएगा, ये मेरी वीडियोस। उसके बाद मैंने ऐसे कुछ एडिट कर दिया, आप मेरी वीडियोस देख भी सकती हो, आप सर्च करोगे धीरू भाई मोटिवेशनल, जैसे ये मेरी वीडियोस आ जाएगी। अभी मैंने नाम नहीं चेंज किया, अभी नहीं आएगी लेकिन आ जाएगी। उसके बाद आपको लेयर पे आने के बाद टेस्ट पे आ जाना है, यहाँ पे अपने चैनल का भी नाम लिख देना है, जिससे कि आपकी वीडियो कोई डाउनलोड करके लिख ना पाए, लेकिन मैं लिखूँगा नहीं स्क्रीन पे। उसके बाद इसे सेव कर दूँगा हाई क्वालिटी में, मैंने फुल HD में डाउनलोड कर लिया। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस बीच से हटा देंगे। उसके बाद आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बी लिंक, इस पर आपको पैसा नहीं देना है, इसमें पैसा आएगा लेकिन आपको स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो बना सकते हो, ये नहीं कि आपको पैसा मांगे तो पैसा देना है, पैसा नहीं देना है, स्किप कर देना है। तो मैंने लॉगिन किया, आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना, मन का स्किप कर देना। उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्शन पे आ जाना है, आउट कैप्शन पर। उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो आपने बनाया, ये हमेशा याद रखना कि ये लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएगा जब तक आप पैसा नहीं दोगे, ये शॉर्ट्स वीडियो अपने आप कनेक्ट कर देगा, जिससे कि इसमें आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकती हो। जैसे कि मुझे लैंग्वेज चेंज करना है, तो चलिए चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ से बहुत सारा लैंग्वेज मिल जाएगा अपने, यहाँ का हिंदी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम अमेरिका की ही लैंग्वेज में हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। आपको जरनेट पर डिलीट कर देना है, उसके बाद कुछ ऐसा होने लगेगा या लोडिंग। नेटवर्क मैंने नहीं ऑन किया, सॉरी, नेटवर्क ऑन कर देते हैं, जिससे कि आप नेट ऑन करोगे उसके बाद ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए नेटवर्क ऑन कर देते हैं, उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने नेट ऑन कर दिया है, कैंसिल करते हैं, फिर से करते हैं। उसके बाद देख सकते हो मेरा बन के बनने लगा है कुछ ऐसे, ये 100 होगा जैसे बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसे अभी सेव करके दिखाएंगे, तो चलिए इसे जल्दी से बना लेते हैं कुछ ऐसे, जितना तेज आपका इंटरनेट चलेगा उतना ही तेज ये चलेगा, उतना तेज भी नहीं चलेगा, देख सकते हो मेरा बन के रेडी हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है लेकिन ऐसे ही बनेगा, इतना जल्दी ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आगे है ना, तो इसीलिए ये खुद लिख रहा है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको 2-3 मिनट ज़रूर लगेगा, तो ये बात हमेशा याद रखना। मेरा हो चुका है, देख सकते हो मेरा कुछ ऐसे लिख के आ चुका है, देख सकते हो
कितना गजब इसने लिख के कर दिया। तो उसको मैंने हटा के फिर से ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि क्या करना है, यहाँ पर मुझे स्टाइल इसका कलर चेंज करना है। इसलिए नाम जो लिख रहा है ना, यहाँ पे आपको स्टाइलिंग लिखा है एडिटिंग एआई के बगल यहाँ पे लिखा है नीचे ना, तो यहाँ पे आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रिंट स्टाइल यहाँ पे बहुत अच्छर मिल जाएंगे जो अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन ट्रेंडिंग में यही चार लोग रहते हैं, यही चार जो आगे आता है ना, ये देख सकते हो 4 पॉइंट पे। इसे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ अपने हिसाब से, जो मैंने सेलेक्ट किया है वही कर देना है आपको। कुछ ऐसे देखने में अच्छा लगेगा, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे ग्रीन भी हो रहा है, जहाँ पे आती है बोलने की आवाज़ वहाँ पे ग्रीन हो जाता है, उसके बाद वाइट ही रहता है। तो कैसा लग रहा है आपको? अब इसे हम नीचे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे इसे उसको छू के उसके बाद जितना नीचे करना है उसके बाद इसे नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद ये आपकी वीडियोस कुछ ऐसी हो जाएगी। उसके बाद इसे सेव कर लेना अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप एआई लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से अपने हिसाब से हाईलाइट भी कर सकते हो। तो इसे हम चलिए सेव कर देते हैं। आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सपोज, इस पर आ जाना है आपको एक्सपोज पे। उसके बाद आने के बाद ये आपका कुछ वीडियोस ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। HD क्वालिटी में करना है, अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ये 100 होगा, जिससे आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरा 96, 97, 98, 99, उसके बाद थोड़ा और अपलोडिंग लेगा, उसके बाद ये बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको जैसे बन जाएगी, यहाँ से इसे हटा देना है यहाँ से, उसके बाद डन कर देना है। आपकी गैलरी में बनके रेडी हो गई है। तो चलिए दिखा देते हैं गैलरी में, जिससे मैं पहले चलिए 20 मिनट की वीडियो से दिखा देता हूँ जो मैंने कन्वर्ट किया है 1 मिनट में। 20 मिनट की वीडियोस मेरी ऐसे देख सकते हो, 20 मिनट 16 सेकंड की ये वीडियो से, इसी वीडियो को मैंने 1 मिनट में कन्वर्ट किया है। जो आपको जहाँ पर जो चीज़ अच्छा लगता है उसे 1 मिनट की आप वीडियो बना सकती हो। उसके बाद चलिए वीडियो दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे केन मास्टर पे देख सकती हो, ये वीडियो मैंने बनाया, तो इसमें टाइटल्स लिख के नहीं आ रहा है, कैप्शन लिख के नहीं आ रहा है। और जो मैंने बनाया चलिए उसे दिखा देते हैं। बी लिंक पे आना है, यहाँ पे इसमें देख सकते हो कैप्शन लिख के आ रहा है, कुछ ऐसे दिखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो ऐसे आप भी बना सकते हो, जैसे मैंने कहा है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अगर आपका दोस्त भी बनाना चाहता है। अगर आपको थंबनेल बनाना यूट्यूब पर नहीं आता है, तो इस वीडियो के बाद आपको फुल कोर्स दिया जाएगा जो 20 मिनट का रहेगा। उसमें आपको बताएंगे थंबनेल कैसे बना सकते हो, बिल्कुल हाई क्वालिटी का थंबनेल। ऐसा वैसा थंबनेल नहीं कि फ़ोटो लगा दिए मनोज डे ने, ये ऐसा फ़ोटो नहीं बनाएंगे हम। कुछ ऐसा थंबनेल बनाएंगे जिससे ग्रो होने का चांस रहता है। कुछ ऐसे थंबनेल जैसे आल ग्रो की तरह देखे वो मिलियन में व्यूज जाता है, वैसे ही बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।